नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है टी न्यूज में। मैं हूँ काजल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पीलीभीत ब्रेकिंग। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सड़क पर हुए हादसे में दो लोगों की मौत, एक घायल। दो बाइकों की आमने सामने हुई थी भिड़ंत। दोनों बाइक सवारों में से एक एक युवक की मौत, एक युवक गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। थाना माधोटांडा क्षेत्र के पीलीभीत माधोटांडा रोड पर जमुनिया पुलिस चौकी के पास की घटना। मृतक दोनों युवक थाना माधोटांडा के क्षेत्र के गाँव में रहने वाले थे। पीलीभीत यूपी। एक तरफ सोशल मीडिया पर समाज सेवा की वाहवाही, वहीं दूसरी ओर विकलांग पत्नी को विकलांग पति की ठेल पर सरकार की योजना ढूंढने को मजबूर, लाचार वह रे सिस्टम। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दिव्यांग लोगों के लिए कितनी भी योजनाएं निकाल ले, लेकिन सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के चलते इन सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसकी एक ताजा घटना जिला पीलीभीत के कलेक्ट्रेट में देखने को मिली। यहाँ पीलीभीत कलेक्ट्रेट में पूरा दिन एक 65 साल का बुजुर्ग अपनी विकलांग पत्नी को लेकर घूमता रहा, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। यह बुजुर्ग, जिनका नाम भगवान दास है, पीलीभीत मुख्यालय से 2-3 किलोमीटर दूर मरौरी ब्लॉक के गांव मंगतपुर में रहने वाले हैं। 65 साल के भगवान दास की पत्नी विकलांग है, चल फिर और बैठ नहीं सकती, यहाँ तक कि बोल भी नहीं सकती। अपनी विकलांग पत्नी को मांगे के ठेले पर लिटाकर भगवान दास विकास भवन आए। भगवान दास को विकलांग पेंशन बनवाने के लिए बैंक खाते की जरूरत है। भगवान दास खाता खुलवाने के लिए विकास भवन परिसर में बनी बैंक ऑफ बड़ौदा में कल आए थे, लेकिन सुबह से शाम तक उनका खाता नहीं खुल सका। यह बुजुर्ग जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय भी गए, जो इसी परिसर में है, लेकिन यहाँ से उन्हें समझाकर वापस भेज दिया गया और खाता खुलना तो दूर की बात है, उनका कोई भी काम नहीं हुआ और बुजुर्ग भगवान दास अपनी विकलांग पत्नी और बेटी को लेकर वापस 3 किलोमीटर दूर गांव चले गए। विकास भवन, जो कि कलेक्टरेट परिसर में है, जिलाधिकारी से लेकर सभी अधिकारी यहाँ हैं और सभी विभाग के कर्मचारी भी, लेकिन इन सभी अधिकारियों के बीच एक गरीब बूढ़ा इंसान अपनी विकलांग पत्नी को लेकर इधर से उधर चक्कर काटता रहा, लेकिन इस परिसर में कोई पूछने वाला नहीं मिला। कल सुबह से शाम तक ये बूढ़ा अपनी बेटी के साथ ठेले पर अपनी पत्नी को परिसर में छोड़कर कार्यालयों और बैंकों के चक्कर काटता रहा, शाम को घर चला गया, लेकिन इसकी मदद करने कोई नहीं आया। कुछ लोग जो अपने किसी काम से आए थे, वह मदद के लिए बैंक और विकलांग कार्यालय के अधिकारी से मिले, तो अधिकारियों ने कानूनी दांव पेच बताकर उनको भी चलता कर दिया। आयुष्मान भारत विकलांग पेंशन योजना, जनधन योजना, न जाने कितनी यही योजनाओं का ढिंढोरा सरकार विज्ञापनों के जरिए पीट रही है, लेकिन गरीबों को इन योजनाओं का लाभ कितना ही मिल पा रहा है, इसका अंदाजा भगवान दास को देखकर लगाया जा सकता है। जबकि हकीकत में इस परिवार को इन सब योजनाओं की जरूरत है, लेकिन इतने बड़े सिस्टम में इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जब इस मामले में संबंधित अधिकारी से बात की गई तो वे सब तुरंत अपने काम पर लग गए। पत्नी को ठेले पे क्यों लाए हो? अपनी पत्नी साहब ठेले पे इसलिए लाए साहब, परेशानी की वजह से। क्या परेशानी है? परेशानी साहब यही है कि साहब जो है हाथ पैर नहीं चलते हैं इसके, और अपने हाथों से खिलाते पिलाते हैं, आप दत्त लेते हैं अपने हाथों से। तुमने अधिकारियों से कहा कि विकलांग आ नहीं पाएंगी? हाँ, यहाँ कहा था साहब। हम क्या बोले? बोले तुम्हें लाना पड़ेगा साथ में, तब मिलेगी तनख्वाह इनकी, जब बन जाएगी। तो तुमने बताया नहीं कैसे मजबूरी में ला पाएंगे?
बताया था हमने साहब, लेकिन जाए बोले तो मैं आना पड़ेगा, ज्वाइंट खाता है। कैसे लाते हो, कितनी दूर से, किस तरह लाते हो? आज हम तो इस लाए पहला चांस है साहब। कैसे लाए हो? डल्ले पे आया था, गांव से मांग कर आए। कितनी दूर गांव है? 2 किलोमीटर था। वो विकलांग महिला थी, उसका पति उसको ले लो घूमता रहा। क्या पूरा मामला था, किस तरह लोगों ने मदद करी? कल एक करीब 65 साल का, कल एक 65 साल का वृद्ध व्यक्ति अपनी विकलांग महिला को लेकर ठेले पर घूमता रहा, और सारे अधिकारी कलेक्ट्रेट में यहीं मौजूद रहे, किसी ने उससे पूछने की जहमत नहीं उठाई। खाता खुलवाना था उसको, उसका खाता नहीं खुला। अन्य तमाम जो कलेक्ट्रेट में सुविधाएं उपलब्ध उसके लिए आया था, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, किसी अधिकारी ने पूछा भी नहीं। सारे अधिकारी यहाँ मौजूद रहे, किसी ने पूछा नहीं, और पूरे दिन परेशान रहा, ठेले पर लिए लिए घूमता रहा। फिर कई लोग यहाँ कलेक्ट्रेट इकट्ठे हुए, तब उससे पूछा तो उसको आर्थिक मदद करी, तो अपने घर पे गया। आज हम लोग अधिकारियों से मिले, तब लगा कि यहाँ कुछ होगा। वो सरकारी फरमान, भले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने गोवंशों के संरक्षण के लिए सभी जिलों में गौशाला स्थापित करने के आदेश दे दिए हों, लेकिन पीलीभीत में जिलाधिकारी आवास, पुलिस लाइन व शहर में बड़ी संख्या में गाय व आवारा पशु घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। वहीं जिलाधिकारी द्वारा शहर में अनाउंस कराकर लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है कि आप अपने जानवरों को घरों में रखें, लेकिन जब स्वयं जिलाधिकारी आवास के बाहर गायें घूमती नजर आ रही हैं, चराग तले अंधेरा, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, अब देख भी लीजिए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जनवरी तक सभी सड़कों पर आवारा पशुओं को गौशाला या गौ संरक्षण केंद्र भेजने के आदेश दिए हैं, लेकिन पीलीभीत में योगी सरकार के फरमान का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि प्रशासन ने खाना पूर्ति तो कर दी, लाउड स्पीकर से पूरे शहर में करा दिया अनाउंसमेंट, लेकिन हकीकत में यह चलचित्र तस्वीरें बयान कर रही हैं। अब यहां तो बस यही कह सकते हैं, चराग तले अंधेरा। जिस तरह डीएम आवास के सामने यह आवारा पशु आराम से घूम रहे हैं और हाईवे पर भी आ रहे हैं बिना रोक टोक के, आप तो समझ ही सकते हैं पूरे जनपद में क्या स्थिति होगी। हमने इस बाबत जब डीएम साहब से सवाल किया तो सुनिए उनका क्या है कहना। बारह जानवर घूम रहे हैं, बताया जा रहा है हादसे भी हो रहे हैं, किसानों को भी नुकसान हो रहा है। बताया जा रहा था 10 तारीख तक डेट थी कि इनको गौशाला में संरक्षित किया जाए, अभी तक नहीं हो पाया, क्या वजह है? हाँ, 10 तारीख तक डेट थी और अधिकतर गौशालाएं जो हमारे पास इन हैंड थी उनको हम एक्टिवेट कर चुके हैं। चूंकि गायों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए धीरे धीरे करके जो गाय हमको मिल रही हैं, कुछ गाय लोग वापस ले जा रहे हैं, अपने घरों में बांध रहे हैं, उनको हम धीरे धीरे करके गौशाला में ले जा रहे हैं। कुछ हमने और नई गौशालाएं, कुछ चारागाह आइडेंटिफाई किया है जिन पे टेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कुछ हमारी परमानेंट गौशालाएं बन रही हैं, जैसे कलीनगर में बड़ी गौशाला बन रही है, न्यूजिया में बड़ी बड़ी गौशाला, एक नई गौशाला का काम आज ही शुरू हुआ है, वो CVO यानी कि वेटरनरी डिपार्टमेंट बना रहा है। सभी नगर पालिकाओं से प्रोजेक्ट बना के दिया देने के लिए कि टेम्प्रेरी गौशाला के लिए प्रोजेक्ट चाहिए, तो बना। तो गौशाला में चूंकि गायों का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, तो जो गाय हमको आवारा दिखती हैं, लगती हैं बिल्कुल आवारा हैं, उनको हम फिर गौशाला तक ले जाते हैं। अदरवाइज हम प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी गाय को अपने घर में ही रखें, आवारा बाहर न भेजें। अभी तक कोई कार्रवाई की किसी पशुपालक के खिलाफ? नहीं, इसमें कोई कार्रवाई FIR जैसी हम नहीं करते हैं। गायें हम उठा के बंद कर लेते हैं अगर वो, और अगर उनको वापस क्लेम करने आते हैं तो उस पर एक पर्टिकुलर फाइन लगाने के बाद ही वो गाय वापस की जाती है। हमारी जो गौशाला है उसमें ये काम हो रहा है।